माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी दोनों हरियाणा के पंचकुला इंद्रधनु स्टेडियम में आए और उस आंदोलन की शुरुआत करके गए। उस आंदोलन के कुछ दिन बाद बाढ़ का एक प्रकोप हुआ, इसलिए हमने कुछ दिन के लिए उस आंदोलन को स्थगित किया, परंतु पिछले चार दिन से तेजी से हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता हरियाणा के एक एक घर के अंदर जा रहा है, हरियाणा के लोगों को बिजली की समस्याओं से जो अवगत करा रहा है, इस बता रहा है कि किस प्रकार से पंजाब में 300 यूनिट का जीरो पैसा देना पड़ता है, परंतु हरियाणा में एक साल में 25,000 रुपए से ऊपर उस 300 यूनिट का खर्चा हरियाणा के किसान को, हरियाणा के आम जमींदार को, सबको करना पड़ता है। पंजाब में पैसा बचता है और हरियाणा के अंदर करना पड़ता है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली की मुफ्त देगी, ये हमने घोषणा की है, और हरियाणा के लोगों को भी 24 घंटे दिल्ली की तरफ पे निर्बाध बिजली मिलेगी और हरियाणा के लोगों को भी 25,000 रुपए सालाना बिजली के खर्चे की बचत होगी। आम आदमी पार्टी इस अभियान को लेके, बिजली आंदोलन को लेके एक एक गांव में जा रही है, बिजली आंदोलन कर रही है, जैसे पंजाब में किया था, जैसे दिल्ली में किया था, ऐसे ही पंजाब की और दिल्ली की अब जो उपलब्धियां हैं जाके एक एक गांव के अंदर हम बता रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ट्यूबवेल का कनेक्शन हो, घर का कनेक्शन हो, चाहे कोई भी कनेक्शन हो, और एक घर के अंदर जितने मर्जी कनेक्शन ले, हर मीटर के ऊपर 300 यूनिट माफ है और उसका कोई पैसा नहीं लगता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नाकामियां की थी और अब मनोहर लाल खट्टर जी उन नाकामियों को जो आगे बढ़ा रहे हैं, हरियाणा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले 10-10 साल से जिसने ट्यूबवेल का कनेक्शन अप्लाई कर रखा, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, कई कई घंटे का जो कट लगा रहे हैं, उन सबको